माइक्रो ऑर्गेनिज या स्पेसीमैन या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं या सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कंट्रास्ट, इनका जो कंट्रास्ट होता है वो मिनिमम होता है, लो होता है, लो कंट्रास्ट होता है, ठीक है। इसलिए इनको 2C मतलब माइक्रोस्कोप में इनको देखना, विजुलाइज करना, डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंड ये लाइव होते हैं तो इसलिए डेंजरस भी होता है, डेंजरस होता है। इसलिए इन्हें स्टेन करने की, या कलर करने की आवश्यकता होती है, जिससे इनका कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है और इन्हें विजुलाइज करना या डिफाइन करना इजी हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है स्टेन। स्टेन क्या है? व्हाट मींस स्टेन? स्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टेन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग, मतलब एक बेंजीन रिंग रखता है, प्लस इसमें क्रोमोफोर होता है एंड ऑक्सोक्रोम होता है। तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, स्टेन क्या होता है? स्टेन इक्वल टू बेंजीन रिंग प्लस क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम, ये टोटल स्टेन होता है। अब मैंने ये देखिए बेंजीन रिंग, अब देखेंगे इसमें बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये इस प्रकार होती है, ये देखिए, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, 1H एटम बॉन्ड होता है, एक एच एटम बॉन्ड होता है, एक एच एटम। आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब ये सी के मध्य जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें जो 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट का मतलब एक यहाँ तो एक यहाँ एक यहाँ, ये है पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, इसका मतलब इसे इस प्रकार बना सकते हैं, ये 3 पाई बॉन्ड जो हैं ये रेजोनेंस, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। ये होती है बेंजीन की स्ट्रक्चर। इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं, क्रोमोफोर मतलब कलर को धारण करने वाले हैं, ये इम्पार्ट्स कलर टू बेंजीन, मतलब बेंजीन को इन्होंने रंग दिया। और इस प्रकार देखिए क्या होता है, बेंजीन रिंग प्लस क्रोमोफोर मिलके बनाते हैं क्रोमोजन। क्रोमोजन का मतलब हुआ कलर्ड कंपाउंड, कलर होता है इसमें, कलर इस क्रोमोजन के साथ मिक्स हो जाता है ऑक्सोक्रोम, तो बन जाता है स्टेन। देखिए ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है ऑक्सिन। ऑक्सिन का अभी मीन्स होता है टू इंक्रीज, और क्रोम आप पहले भी अभी देखा है कलर, टू इंक्रीज कलर, मतलब ये एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो कलर को इंक्रीज कर देते हैं, अर्थात कंट्रास्ट इंक्रीज कर देते हैं,
इन्हें हिंदी में रंग वर्धक भी कहते हैं। रंग वर्धक का मतलब होता है रंग को बढ़ाने वाले, मतलब कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और ये सब मिलके बनता है स्टेन। तो स्टेन इक्वल टू बेंजीन रिंग प्लस क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर के एग्जांपल ऑफ क्रोमोफोर नाइट्रो ग्रुप NO2, इसकी स्ट्रक्चर होती है N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो ग्रुप, एजो ग्रुप, इसका नाम है नाइट्रोसो और एजो। ये सभी क्रोमोफोर के एग्जांपल हैं। अब एग्जांपल ऑफ ऑक्सोक्रोम, OH हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2 एमिनो ग्रुप, ये ऑक्सोक्रोम होते हैं। उस स्टेन का निर्माण किस प्रकार होता है ये देखते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, एक बेंजीन रिंग, इस पर ये क्रोमोफोर ग्रुप, तीन क्रोमोफोर ग्रुप होते हैं और वन OH ग्रुप। इसका केमिकल नेम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, ये इसका IUPAC नेम है। ये एसिडिक नेचर का होता है। देखिए ये इंक्रीज करना है कलर की कंट्रास्ट, कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, तो ये रिएक्ट होगा OH माइनस ऑक्सोक्रोम से। तो ये देखिए इसमें अब बेंजीन रिंग पर ऑक्सोक्रोम भी अटैच हो जाएगा। ये स्टेन बन गया। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन जो स्टेन्स हैं, इन सभी स्टेन्स को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब ये जो स्टेन्स हैं वो किस सोर्स से कैसे प्राप्त होती हैं। नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है तो नेचुरल स्टेन, यदि आर्टिफिशियल हैं तो सिंथेटिक स्टेन। तो देखिए नेचुरल स्टेन ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बताइए, नेचुरल स्टेन। जैसे इसके जो एग्जांपल हैं आप ये याद रखें, हीम कार, हीम मतलब हेमेटोजाइलिन, ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन है, हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन। और एक होती है कार्मिन, ये दोनों नेचुरल स्टेन है। सिंथेटिक स्टेन मतलब आर्टिफिशियली हैं, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा या केमिकल मिक्सिंग द्वारा तैयार की जाती हैं ये। सेकंड देखिए सिंथेटिक स्टेन मतलब आर्टिफिशियल स्टेन है, ये केमिकल रिएक्शन द्वारा तैयार की जाती हैं, केमिकल मिक्सिंग द्वारा तैयार की जाती हैं, इन अधिकांश तैयार की जाती हैं। मोस्टली जो स्टेन होती हैं, मोस्टली स्टेन्स सिंथेटिक स्टेन ही होती हैं, जैसे कार्बन फॉक्सिन, मेथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, ईओसिन, जिम्सा स्टेन, सेफरिन, कॉन्गो रेड, नाइग्रोसिन, ये सब स्टेन सिंथेटिक स्टेन हैं। अब आता है सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, मैन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, स्टेन पर चार्ज होता है। हम जानते हैं चार्ज थ्री टाइप्स का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। यदि स्टेन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव स्टेन कहलाएगी,
तो नंबर वन हो गया पॉजिटिव स्टेन, यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव स्टेन कहलाएगी। यदि कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल स्टेन कहलाएगी, नो एनी चार्ज। ये नंबर थर्ड टाइप हो गया। जो पॉजिटिव स्टेन है इनका जो नेचर होता है पीएच के, पीएच जो होता है वो एल्केलाइन होता है, इसलिए इन्हें बेसिक स्टेन कहते हैं। ये जो नेगेटिव स्टेन है इनका जो नेचर होता है, इनका ये जो नेगेटिव स्टेन है इनका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए ये एसिडिक स्टेन है। और न्यूट्रल स्टेन का जो पीएच है वो 7.0 होता है, अर्थात जितना एसिड एसिडिक होता है उतना ही न्यूट्रल होता है, अतः इन्हें न्यूट्रल स्टेन कहते हैं। तो इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मेनली थ्री टाइप्स के स्टेन हो गए, वन BAN, B4 बेसिक स्टेन, A4 एसिडिक स्टेन, N4 न्यूट्रल स्टेन। अब हम इसमें से एक एक को एक अब हम इसमें एक एक पर डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक स्टेन, एसिडिक स्टेन और न्यूट्रल स्टेन। अब देखिए फर्स्ट देखेंगे B4 मतलब बेसिक स्टेन। चार्ज पॉजिटिव, बेसिक स्टेन पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एसिडिक स्टेन पर जस्ट अपोजिट चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पर नो एनी चार्ज मतलब न्यूट्रल, नो एनी चार्ज। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है, मतलब जो पीएच होता है पीएच को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ये 7.0 है, ये न्यूट्रल होता है, इससे ऊपर जो होता है वो बेसिक होता है या एल्केलाइन होता है, और इसके नीचे होता है वो एसिड होता है, एसिडिक होता है। इसका जो पीएच होता है बेसिक नेचर होता है, मतलब पीएच 7.0 से अधिक होता है, पीएच बेसिक नेचर, पीएच के हिसाब से इसका नेचर बेसिक होता है, अर्थात इसका पीएच 7.0 से अधिक होता है, इसलिए इसे बेसिक स्टेन कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका पीएच 7 से कम, इसका पीएच 7.0 से कम होता है, इसलिए इसे एसिडिक स्टेन कहते हैं, इसलिए इसका एसिडिक नेचर होता है, इसलिए इसको एसिडिक स्टेन कहते हैं। इसका पीएच 7.0 होता है, अतः ये न्यूट्रल नेचर की होती है, न्यूट्रल नेचर। ये बेसिक है इसलिए क्या करते हैं, ये देखिए ये बेसिक स्टेन है, ये बेसिक स्टेन, बेसिक स्टेन। बेस कौन होते हैं, बेस देखिए एसिड कौन होते हैं, जो H+ रिलीज करते हैं। बेस कौन होते हैं, जो OH- रिलीज करते हैं। ये कौन है, बेसिक स्टेन है, इसलिए ये OH- रिलीज करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे, जबकि H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे। इसके विपरीत एसिडिक स्टेन, एसिडिक स्टेन जस्ट अपोजिट एसिडिक स्टेन, एसिड कौन होते हैं, जो H+ देते हैं, अतः ये H+ रिलीज करेंगे, H+ रिलीज, और OH- एक्सेप्ट करेंगे। ये जितना H+ रिलीज करेंगे उतना ही OH- रिलीज करेंगे, इसलिए ये न्यूट्रल हैं। बेसिक स्टेन का जो यूज होता है वो बैक्टीरिया, बेसिक स्टेन का जो यूज होता है वो बैक्टीरिया को स्टेन के लिए यूज होता है, यूज टू स्टेन बैक्टीरिया।
ठीक है। इसके बाद आता है एसिडिक स्टेन। एसिडिक स्टेन जो होता है बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, तो यूज टू प्रोवाइड बैकग्राउंड। न्यूट्रल स्टेन होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करता है। न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए ऑब्लिक आरएनए, यूज टू स्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड साइटोप्लाज्म। बेसिक स्टेन जो होती है उसमें मेनली जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं ग्राम स्टेन के और जेडन स्टेन के। जैसे देखो ग्राम स्टेन में क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, सेफ्रिन, और देखिए जेडन स्टेन में मेथिलीन ब्लू, कार्बन फॉक्सिन, ठीक है। अब आते हैं एसिडिक स्टेन के एग्जांपल पर और न्यूट्रल स्टेन के एग्जांपल। इसमें आएंगे इओसिन, कॉन्गो रेड, इंडियन इंक, इट इज। अब थर्ड आता है एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल स्टेन, इसमें आता है हेमेटोजाइलिन, हेमेटोजाइलिन। तो अभी बताया था आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन है और जिम्सा स्टेन, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेन। देखिए इसके लिए हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल। देखिए बैक्टीरियल सेल के मेनली टू पार्ट्स हैं, एक तो है न्यूक्लियोड मतलब डीएनए आरएनए या जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस, और एक है साइटोप्लाज्म। तो देखिए इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो नेगेटिव चार्ज्ड होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज्ड है और ये, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेन लेगा। पॉजिटिव स्टेन कौन होती हैं? पॉजिटिव स्टेन होती हैं बेसिक स्टेन, स्टेन होगा बेसिक स्टेन से स्टेन होगा, और ये साइटोप्लाज्म पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव स्टेन से स्टेन होगा। नेगेटिव स्टेन कौन होती है? एसिडिक स्टेन। देखिए यहां पर हम समझ सकते हैं साइटोप्लाज्म पॉजिटिव चार्ज्ड होता है इसलिए यह नेगेटिव स्टेन मतलब एसिडिक स्टेन से स्टेन होगा। ऐसे ही देखिए जो न्यूक्लियस है वो नेगेटिव चार्ज्ड है अतः यह पॉजिटिव चार्ज्ड स्टेन से स्टेन होगा मतलब बेसिक स्टेन से स्टेन होगा। अतः ये न्यूक्लियस बेसोफिलिक होता है जबकि साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक होता है। ये अपना टाइप्स ऑफ स्टेन, स्टेन्स व्हाट मीन्स स्टेन एंड टाइप्स ऑफ स्टेन, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्मियर एंड फिक्सिंग द स्मियर एंड वेरियस स्टेनिंग टेक्निक।